What's up, stress boys? And welcome to today's episode of Back Scratch by Sections. That's right. And today we'll be listening to Chup Raho by Sunny Khan Durrani. And it is from the album The Butterfly Effect. Like, मैंने इस album के बारे में बहुत कुछ सुना है that this album is very creative, very crazy. So we are checking out the song Chup Raho. And the description says कि ये गाना है ना, it talks about shamelessly speaks about all the things that we are told not to speak about. ठीक है, तो आई गेस दैट इज वाई द सॉन्ग इज कॉल्ड चुप रहो, कि ही इज टॉकिंग अबाउट ऑल द यू नो टबू थिंग्स एंड ऑल द थिंग्स दैट ही इज नॉट सपोज टू स्पीक अबाउट बट ही डज, तो पीपल आर टेलिंग हिम कि चुप रहो. बाकी हम गाना सुन के ही पता करेंगे. सो विदाउट फर्दर डू, वी आर गोना जंप स्ट्रेट इनटू इट. दिस इज बिग स्क्रैच बाय सेक्स एंड वी आर लिसनिंग टू चुप रहो बाय सनी खान दुरानी फ्रॉम द बटरफ्लाई इफेक्ट. लेट्स हियर इट. Butterfly, oh, whoa, 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 butterfly effect and also the cover art पूरी तरह से fit कर रहा है उस चीज़ को. Butterfly effect is basically, it's said कि एक कहीं पे एक butterfly उड़ रहा है, तो the waves created from its wings can, you know, propagate and कहीं और जाके तूफान भी ला सकता है. कि it can, basically a small change can bring about huge changes later on. तो वो देखो, इसमें अगर ढंग से देखोगे, you can see the butterfly and also the, you know, the waves that are being propagated from its wings. अगर ढंग से cover art में देखो, the waves भी है ना, बगल में दिखाया जा रहा है उसके बगल से. Bro, we are not even into the song. और I got a check who produced this song. Sunny bro, slow down, I'm telling you already, bhai. So lyrics, mixing, mastering, production and everything is done by Sunny, my man himself. Let's go. Assalamualaikum बच्चों, मैं हूँ आपका टीचर, अपनी सेल्फ एस्टीम का कत्ल करूंगा चीख चीख कर. अबे यार, how is that his voice? How is that his voice, man? I love this shit. जब वॉइस को चेंज करके, यू नो, पीपल मॉड्यूलेट देयर वॉइस एंड यू नो गेट क्रिएटिव विद दैट टू कम अप विद डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग. इट हैज बीन सीन to be done a lot of time in hip hop. और मतलब greatest जो है ना, उन्होंने भी कर रखा है. I've seen Kendrick do it, I've seen Cole do it, I've seen a lot of people do this shit and that is very creative. I love it. So teacher के perspective से बोल रहे हैं कि assalamualaikum बच्चों, मैं आया हूँ तुम्हारे self esteem को तोड़ के. basically that is what teachers nowadays teachers do. Assalamualaikum बच्चों, मैं हूँ आपका teacher, अपनी self esteem का कत्ल करूँगा चीख चीख कर. चुप कर रहा दूंगा तुम्हें जब भी तुम बोलोगे, जो किए तुम पे जुल्म ये रास जब तुम खोलोगे आवाज. हाँ. ऊंची है गलत बहाने बेशुमार इनके बने फिरे दोस्त, दोखले किरदार इनके हाथ. हाँ, हाँ. चीखो गला अपना फाड़ के गुस्सा दो जैसे सलाह के सच इनके कान में. जब इनकी बकवास का कोई देता जवाब है तो भोकला के कहती ये जनरेशन ही खराब है. ओके, मैं वही फिगर आउट कर रहा था कि इज ही स्टिल इन द रोल ऑफ द टीचर या फिर उससे बाहर आके नॉर्मल पर्सपेक्टिव से बोल रहे. तो पहले दो जो लाइन थे, दो या चार लाइन, दैट वॉज अबाउट द टीचर. बट नाउ सनी इज लाइक, ये जो बोल रहे ना, अपोज दैट, सच बोल के इनके कान में घुसेड़ दो बिल्कुल, आवाज ऊंची करो. सो हो, इट्स अ मैसेज टू द, यू नो, जनरेशन, टू द जनरेशन, कि जब भी तुम इनके अगेंस्ट कुछ भी बोलोगे, दे आर गोना कम अप लाइक, यार तुम्हें पता नहीं कि बड़ों की इज्जत करी जाती है कैसे, ये वो. बट इज्जत उसी को देंगे ना हु डिजर्व्स इट. इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट द एज. सो ही इज टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स. अभी कंट्रोवर्शियल बातें और होंगी, दैट इज व्हाई द ट्रैक इज नेम्ड चुप रहो. लेट्स गो. सूची ले जा गलत बहाने बेशुमार इनके बने फिर दोस्त, दोखले किरदार इनके. हां, हाजी को गला अपना फाड़ के गुस्सा दो जैसे सलाह के सच इनके कान में. जब इनकी बकवास का कोई देता जवाब है तो भोकला के कहती ये जनरेशन खराब है. जनरेशन को छोड़ो, तुमने क्या उखाड़ लिया, शिया सुन्नी चूड़ा काफिर, और बताओ क्या किया. ओनली डिविजंस, only divisions. If you have listened to the song Another Brick in the Wall by Pink Floyd, abhi yaar, you gotta listen to that shit, all right? Pehle ye sunte hain. को छोड़ो, तुमने क्या उखाड़ लिया, शिया सुन्नी चूड़ा काफिर, और बताओ क्या किया. जंग चले सन पे, जंग चले सर पे, आग लगाते फेरे अपने ही घर पे, बेखबर खुदा से ये तो सजदों में पड़े हुए, दीन में जो नहीं वो सारे यहाँ डरे हुए. जनरेशन तेरी जो नफरत से निकल पाई नहीं, और मेरी जनरेशन को तमीज वो सिखाएगी.
तेरी जनरेशन है जो नफरत से निकल ही पाए नहीं, और वो जनरेशन हमारे जनरेशन को सिखाएगी? हाउ इज दैट पॉसिबल? तुम्हारा ही दिमाग वार्प्ड है इन द फर्स्ट प्लेस. सो व्हाट डू यू थिंक यू कैन प्रोवाइड मी? व्हाट एडुकेशन आर यू गोना प्रोवाइड मी विद? ठीक है, दैट इज रियल शिट ब्रो. जनरेशन तेरी जो नफरत से निकल पाए नहीं बिकॉज़ you are always hating, you are all about division. ye shia sunni caste ye wo religion baatna firna hate karna, that is all I've heard from your generation. so what are you going to teach me? meri generation ko tamiz wo sikhayegi. hamara best door tha jaise hame nahi pata ki zyaulak kaun tha. होते रहे जुल्म और तुम सब चुप रहे, मुल्लों के मजे और बाकियों ने कहर सहे. बिल्ली लेगी जुबान या भूल गए जवाब, या बनाओगे मुझे काफिर और चीखोगे गुस्ताख. बचपन से लड़की यहाँ वहशत. गुस्ताख इज बेसिकली क्या है? गुस्ताख गलती, गुस्ताख इंटरफेरेंस. बिकॉज गुस्ताख की माफ बोलते हैं ना, इट्स सम नेगेटिव थिंग. जब है ना किसी सभा या किसी चीज में बीच में कोई इंटरफियर करता है तो बोलते हैं गुस्ताख ही माफ. तो व्हाट इज गुस्ताख? लेट्स चेक इट आउट ब्रो, लेट्स चेक इट आउट. गुस्ताख मीनिंग ये लिटरल ट्रांसलेशन दिया होगा यहाँ पे. गुस्ताख इज समवन हु रिफ्यूजेस टू ओबे. ओके, मतलब ये तो मतलब ट्रांसलेशन, इट वोंट कम अप विद द रियल एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, बट आई गेट व्हाट ही. जवाब क्या बनाओगे मुझे काफिर और चीखोगे गुस्ताख. बचपन से लड़की यहाँ वहशत का शिकार है. लड़के गवाते इज्जत मदरसे में जाके, पर मां-बाप को ना फिक्र ना समझ इस बात की. लुटाते बच्चों की इज्जत वो खुद अपने हाथ से. टेंशन नहीं ले बेटी, आपकी मेरी जिम्मेदारी है, मैं करवा दूंगा इस एग्जाम की तैयारी. खबरदार जो बोली कुछ माँ के सामने, तुझे जमाने में सारे फेर करूं बदनाम मैं. भैया स्ट्रेस क्यों दे रहे हो यार, शांति रखो. बेटी आपकी मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं करवा दूंगा इस एग्जाम की तैयारी. खबरदार जो बोली कुछ माँ के सामने, तुझे जमाने में सारे फेर करूं बदनाम मैं. ध्यान से जबान को लगाम दे, मी टू चिल्ला के इल्जाम दे. पर मैं तो मर साथ, मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी चार दिन शोर. फिर किसको बात याद रहेगी, तेरा क्या होगा, ये सोचा क्या तूने. आंचल पे दाग तरह तरह के इल्जाम. अबे यार शांति 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 रखते. सो दिस इज व्हाट हैपेंस, अ वुमन गेट्स रेप्ड, पीपल फॉरगेट अबाउट द मैन जिसने भी जो करा है. बातें औरत को लेके होती है, दिक्कत कहाँ है, हु कॉज द प्रॉब्लम इन द फर्स्ट प्लेस, उसके बारे में सब भूल जाते हैं. अरे यार मर साथ, मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी चार दिन शोर. फिर किसको बात याद रहेगी, तेरा क्या होगा, ये सोचा क्या तूने. आंचल पे दाग तरह तरह के इल्जाम. मिट्टी में मिल जाएगी मां-बाप की इज्जत. कोर्ट कचहरी भी तू करके देख ले. केस फारिग जब भी मैं दे तू रिश्वत. आज से लिखूंगा सिर्फ मैं ही तेरी किस्मत. फिर ऑनलाइन लड़के देंगे गालियां गंदी. वो कश्ती वो रंडी उसकी अपनी गलती. कौन सुनेगा तेरी, कौन करेगा यकीन. खींच लूंगा पैरों के तलों से हक. आई हेट टू पॉजिट राइट नाउ मैन, आई हेट टू पॉजिट राइट नाउ. मैं मर्द हूं. टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी इन दिस थिंग यार, मतलब कौन सुनेगा तेरी, कौन करेगा यकीन. खींच लूंगा पैरों तले हक की जमीन. मैं मर्द हूं. मखलूक में अशरफ मुझे बर्तरी हासिल. तू सलूक से डर मत, चाहे मैं उजाड़ू तेरी कुल कायनात का हूँ. मेरे मजहब ने दिया कूक और अजाद को. मर्द हूँ, मुझे किसकी है पकड़, तुझ पे मार के हाथ करता हूँ फखर. बताऊंगा मैं दोस्तों को कितनी तू हॉट है. तू बोल के देख, सबूत मेरे पास है. Bro, मतलब वो आई हैव नेवर एवर लिसन टू सनी लूज हिज काम इन अ सॉन्ग. ब्रो आई एम गोना लिसन टू दैट पार्ट वंस अगेन. बात याद रहे बच्चों की इज्जत वो खुद अपने हाथ से. भाई टेंशन नहीं ले, क्या कॉर्ड्स है. बेटी आपकी मेरी जिम्मेदारी है, मैं करवा दूंगा इसे एग्जाम्स की तैयारी. बट खबरदार जो बोली कुछ माँ के सामने, तुझे जमाने में सारे फेर करूं बदनाम मैं. ध्यान से जबान को लगाम दे. ओ इज इट टॉकिंग अबाउट अ टीचर की आप टेंशन ना लीजिए, आपकी बेटी को मैं पढ़ा दूंगा. आफ्टर दैट अ टीचर रेप्स द स्टूडेंट. एंड यू नो एक तो एज वाली बात है, फिर मेल भी है, तो यू नो इज गेटिंग द एडवांटेज ऑफ हाउ द सोसाइटी थिंक्स. एंड
After all, the girl is a victim in both the cases. तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम चुप रहो। Yo, boy, the transitions in the song, bro, इतना smooth है, इतना smooth. It is very tough, bro. I'm not gonna lie, but it is very tough. इस तरीके से एक gentle तरीके से, you know, threads देना, फिर उसको मतलब musically मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद इतना hyped up होके after that, you know, to fuse it back into that gentle hook is very tough. पूरा लग रहा है कॉन्वर्सेशन इज हैपनिंग, एक्चुअली द पर्सन इज टेलिंग, मतलब दिस शिट इज सो नेचुरल, आई काइंड ऑफ नो हाउ सनी यू नो एक्चुअली रिकॉर्ड सॉन्ग्स, सो आई कैन एक्चुअली सी दैट, आई कैन सी हाउ इट टुक टाइम एंड हाउ नेचुरली इट केम टू हिम, हाउ इट, ओह माय गॉड. I really want to know how he produced this beat also, bro. I don't want to say controversial things right now, but I don't know how Chen and Sunny are friends because they have such, you know, they kind of have like the same mentality, but it is so different at the same time. मुझे नहीं पता ये कैसे possible है. मतलब I don't know. मतलब आई गेस सेम गाने के बारे में अगर ये सेम गाना, अगर ये पर्सपेक्टिव अगर चेन बताना चाहता तो ही वुड हैव कम अप, वो तो होता ही है, चलो डिफरेंट आर्टिस्ट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, दैट इज लाइक दैट इज़ वेयर द ब्यूटी लाइज. बट इस पे आते हैं राइट नाउ, दिस इज़ ब्यूटीफुल शिट मैन, द वे इट, मतलब जिस तरीके से बीच में एकदम ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड एवरीथिंग, आई रियली थिंक दैट इट हर्ट हिज थ्रोट मैन, इट हर्ट हिज थ्रोट रियल बैड. पर वही है कि देयर इज दिस सैटिस्फैक्शन व्हेन यू लेट आउट द इमोशन, एंड This thing is very tough. The thing that he did कि एक पूरी तरीके से एक दूसरे के perspective में बैठ के ये चीज लिखना, like a very few have been able to do that. कि मतलब when you are too, मतलब यहाँ से निकलती है ये चीज़ें, you cannot force that thing. कि ही इसने पूरी तरीके से एक toxic teacher के जगह पे अपने को रखा, खुद को रखा, and then he wrote this whole song. और उसके जगह पे रख के ही उसने पूरा गाना record किया. So that takes caliber. I don't know man, this shit is tight. मैं बहुत curious हूँ कि production process क्या है, how he came up with the melody and the chords, ये reversed effect किस पे synth पे लगाया, किस, I don't know, but the way, also the way it transitioned into the, it was so smooth yet it was so different, ये पहले वाला part, बीच का part, लेकिन at the same time, you know, इतना smooth transition था, you never know when you went into that and when you came out of it. Shit is tight man. So let me know what you think about this song in the video. I absolutely loved it man. I absolutely love when an artist comes up with his perspective of things without thinking about what other people think about it. This is so raw, real and pure yaar. Absolutely love it. Let me know what you think about this video and the song. If you like this video, you know what to do. Leave a like below right now. If you didn't, then do not hesitate to leave a dislike. But if you're enjoying my content, subscribe to the channel right now. Be a part of the Stress Fam. It is all about discussions and, you know, talking to each other and gaining knowledge from each other. So, is gaane ke baare mein tumhare jo perspectives hai, uske baare mein niche batao. Let's have conversations about this. All right. That is what the Stress Fam is about. And if you want to get closer with the Stress Fam, kya karna hai? Niche Instagram or Discord ka link description mein hai. Make sure to follow me on Instagram to get in touch with me even closer. Or Discord pe you can talk with the other members of the Stress Fam. And if you do not know already, I'm an artist musician myself. If you have not listened to my songs, mere channel pe jao, Spotify, Apple Music pe jao, search of Big Scratch. You can listen to my songs. Let me know what you think about my songs. Would mean the world to me. Thank you so much for being here today. Thank you so much for the love and support. I'm out.
मैं खोया ही सही, खोया ही सही, अकेला अकेला मैं, अकेला ही सही, अकेला ही सही, समय का मेला है। मैं खोया ही सही, खोया ही सही, अकेला अकेला मैं।